नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, ये किस बात की डबल इंजन की सरकार है। बिहार के लिए ना कुछ हो रहा है और ना ही कोई बात हो रही है। बिहार में जो है वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, अपराध, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमें दिन रात गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात भी अब कोई नहीं कर रहा है। जो जिम्मेदारी लेकर के इस बात को बताने का काम करे, ये किस बात का डबल इंजन का सरकार है। ना बिहार के लिए कुछ हो रहा है, ना बात हो रही है। बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल भी जो है वो गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए, गोभी का क्या भाव है, बताइए प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पे कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था, वो आज 45 किलो रुपए आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए, आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है। लेकिन इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए दिन रात। हम लोगों को गाली देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंग पिंग जो लोग हैं, इनको ये सरकार बचाने का काम करती है। कुछ होता है तो तेजस्वी का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ होना है नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं।